बिग बॉस में हुआ एक और नया टास्क। जी हाँ, अब बात करते हैं आखिर क्या नाम है टास्क का और कैसे कंटेस्टेंट करने वाले हैं इस टास्क को कंप्लीट। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्या है पूरा का पूरा माजरा और क्या है पूरी की पूरी अपडेट। जैसे कि आपको पता होगा कि बिग बॉस OTT सीजन 3 के अंदर हर बार नए नए टास्क आते रहते हैं और फाइनली अब एक और न्यू टास्क आ चुका है। जी हाँ, और उस टास्क का नाम है कठपुतली टास्क। जी हाँ, कठपुतली टास्क है इसका, और मैं आपको बता दूं इसके अंदर 3 मैनेजर बने हैं। वेल, पहले पे आते हैं रणवीर, दूसरे पे आते हैं शिवानी और तीसरे पे आते हैं विशाल। विशाल अपने दोस्तों को ले आकर फाइनली कठपुतली इकट्ठा करेंगे। जी हाँ, यानी कि एक फैक्ट्री होगी कठपुतली की और वहां से कठपुतलियों को इकट्ठा करना पड़ेगा और हर कंटेस्टेंट की एक एक कठपुतली बनानी पड़ेगी। जो सबसे ज़्यादा कठपुतली बना लेगा उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं आपको बता दूं जो विशाल होते हैं आखिरी में ये सिर्फ और सिर्फ 10 ही कठपुतली बनाते हैं, और साथ ही साथ जो रणवीर होते हैं वो 12 कठपुतली बनाते हैं और जो शिवानी होते हैं वो 14 कठपुतली बनाते हैं। सबसे ज़्यादा वही कठपुतली बनाते हैं। जी हाँ, और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि एंड में इन सभी को कठपुतली का शो भी दिखाना होता है, यानी कि जिस कंटेस्टेंट की कठपुतली बनाए हुए होते हैं कंटेस्टेंट यानी कि रणवीर, शिवानी और विशाल, उनको सभी कंटेस्टेंट की जिनकी उन्होंने कठपुतली बनाई है उनका शो भी दिखाना होता है, यानी कि कठपुतली शो दिखाना होता है। वेल, अब देखना ये होगा कि आखिर कौन होता है इसका विनर। वेल, मैं आपको बता दूं इसका एक संचालक भी है जो कि है दीपक चौरसिया। वेल दोस्तों, आपको ये टास्क कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसी बिग बॉस OTT सीजन 3 के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।